क्योंकि मैं एक विद्यार्थी हूँ और मुझे रोजगार चाहिए। मैं किसी प्रशासन के तंत्र मंत्र से लड़ना नहीं चाहता हूँ। मुझे लड़ना है तो केवल रोजगार के लिए, मुझे जीना है तो केवल रोजगार के लिए। और मुझे आखिरी सांस तक मैं यही मुद्दा लेकर आया था कि मुख्यमंत्री जी आप पर भरोसा है कि सातवीं चरण प्लास्टिक विज्ञप्ति लागू कीजिए। और भी मेरी है, देखिए आप लोग सबको यही हम लोग लेकर आए हैं नारा, और नारा में यही है कि सातवीं चरण प्राथमिक विज्ञप्ति सीटेट बीटेट को लागू कर दीजिए। 40 महीना से पिछला हम लोग इंतजार कर रहे हैं। हमको किसी से लड़ाई नहीं करनी है, ना मुझे नेता बनना है, ना मुझे राजनेता बनना है, ना मुझे एमएलए बनना है, ना मुझे एमएलसी बनना है। मुझे बनना है तो रोड पर से जाकर बोर्ड पर एक शिक्षक बनना है, प्राथमिक स्कूल का शिक्षक बनना है। और सबसे बड़ी बात विडंबना यह है कि बिहार के अंदर रहने वाले तमाम जगहों पर आप देखिएगा तो विधानसभा का प्राथमिक विज्ञप्ति का मांग कर रहे हैं। पिछले 40 महीना से हम लोग लगातार पटना के सड़कों पे लाठी जूता लात जूता चप्पल सब खा रहे हैं प्रशासन के द्वारा से, और प्रशासन के द्वारा हम लोग को टॉर्चर भी किया गया है डाकबंगला चौराहा से लेकर बिस्कोमान भवन के पीछे तक और गांधी मैदान तक। और आज हम लोग 40 महीना से लगभग 38 आंदोलन कर चुके हैं। 38वां आंदोलन में हम लोग को बोला गया है केवल आप लोग धैर्य रखिए, मेरी स्थिति होगी तो हम जल्द से जल्द करेंगे। और सरकार की मनोवृत्ति जो है हम लोग की बहाली कराना नहीं चाहती है, और हम लोग तहां महर्ताओं को पास किए हैं, सीटेट किए हैं, बीएड किए हैं, डीएलएड किए हैं, उसके बाद सीटेट पास आउट किए हैं। उसके बाद भी हम लोग 4 साल से रोड पर खड़ा है और हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है, केवल आश्वासन मिल रहा है। और माननीय मंत्री जी हर चीज का उद्घाटन कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी से हम हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करते हैं कि माननीय मंत्री जी गया के धरती से अगर आप नौकरी देते तो आज बहुत अच्छा होता। और माननीय मंत्री जी सातवां चरण का जो विद्यार्थी है, न जाने कोरोना में कितने लोगों को खो दिया, अपने मम्मी और अपने पापा को, अपने परिवार को खो दिया। उन घरों को फिर से जो उजड़े हुए घर है उनको भी एक बार जीने का मौका दीजिए माननीय मंत्री जी। और हम लोग को सातवां चरण प्राथमिक विज्ञप्ति सीटेट बीटेट पास आउट जो हम लोग हैं उनको जल्द से जल्द रोजगार दीजिए, रोड पर से बोर्ड पर भेजने का काम कीजिए माननीय मंत्री जी। यही बात को लेकर मैं पटना की धरती से मैं सत्यम कुमार आया हूँ। सत्यम कुमार पटना जी। तेजस्वी यादव ने जो डंडा चलाने वाले एडीएम है उस पर कार्रवाई की बात कही है, उससे आप संतुष्ट हैं? मैं एडीएम साहब के ऊपर मैं कुछ टीका टिप्पणी करने वाला नहीं।